हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है अपराजिता वाइन के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्लिटोरिया, हिंदी में कोयला और बंगाली में अपराजिता कहते हैं। ये सीड्स के थ्रू ग्रो हो जाती है और कटिंग के थ्रू भी ग्रो हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि इसको सीड्स के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है। ये उसके सीड्स से अपराजिता के, आप इसको ग्रो करने के लिए इसको चाहे तो भिगो के ग्रो कर सकते हो। मैंने भिगोए नहीं है। अगर भिगो के ग्रो करोगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, सीडलिंग जल्दी ग्रो होगी। भिगोने के लिए इसको 24 से 48 घंटे तक आप भिगो के रख सकते हो और उसके बाद आप लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए मैंने ये पोट ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड की है और गार्डन की सॉइल है। अपराजिता को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट सॉइल चाहिए। इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, जैसे कि ये है। मैंने इसी प्लांट के साथ ग्रो कर दिया था और ये देखो इतनी बड़ी हो गई है। आज मैं इसको ट्रांसप्लांट भी करूँगी। ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने ये अलग से पोट ले लिया है, क्योंकि ये बेल है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने ये स्टिक भी ले ली है और ये सुतली की रस्सी है जिससे मैं इसको बांधूँगी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको ग्रो कैसे करना है। आप चाहे तो इसमें पहले पानी दे दो या तो पहले सीड्स लगा लो। चूँकि ये छोटा सा पॉट है और ये बेल है, तो मैं इसमें सिर्फ एक ही सीड्स लगा के बताऊंगी। इसके सीड्स को लेना है और बस इसको 1 इंच डीप लगा के मिट्टी से कवर कर दो। इसी मिट्टी से या ऊपर से सॉइल डाल के कवर कर सकते हो और पानी दे देना है। इसको रखना है, ज़्यादा सन में नहीं रखना है। अगर बहुत ज़्यादा धूप है आपके यहाँ तो आप पार्शियल सनलाइट में रखो, या तो किसी ट्री के नीचे रख सकते हो जहाँ पे हल्की हल्की धूप आए। ज़्यादा सन में रखोगे तब भी ठीक है, लेकिन आपको पार्शियल सनलाइट में रखना है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। अपराजिता एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी आयुर्वेदा में काफ़ी यूज़ है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसकी जड़ें, इसके फूल, मतलब इसका हर पार्ट मेडिसिन में यूज़ होता है। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, सफ़ेद रंग के और ब्लू रंग के फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर सिंगल पेटल में होते हैं, डबल पेटल में होते हैं। सिंगल पेटल यानी कि पंखुड़िया उसकी सिंगल होती है और डबल पेटल यानी कि दो पंखुड़ियों वाले होते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और घर की सजावट करने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए इसको, इसके प्लांट को लगाया जाता है। एक बेल है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जैसे फैंसिस होती है उसमें लगाया जाता है, या आप क्लिम्बिंग भी कर सकते हो। इसको रस्सी से बांध के अपने डोर के पास कई क्लिम्प कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इसको लगा के बताती हूँ और आपको शो करती हूँ कि इसको लगाने के बाद ये कैसे लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उस पोट में से इसको निकाल लिया है और इस पोट में मैं लगाऊंगी। अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप हो गई है और काफ़ी पौधा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद इसको पानी दे दे, अच्छे से पानी दे, क्योंकि इसको अभी अभी ट्रांसप्लांट किया है तो ये, इसको अच्छे से पानी देने की ज़रूरत है। तो मैं इसको अच्छे से पानी दूंगी। जब ये पानी सोख ले तब इसको इस स्टिक से सपोर्ट दे दूंगी। अगर इसको आपको बुशी बनाना है तो आप इसकी पिंचिंग कर दो ऊपर से, तो ये साइड ग्रोथ निकालेगा और ये काफ़ी बुशी और अच्छा लगेगा। इस पर सीड्स भी बनते हैं, इसकी फलियाँ लगती है जिसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। आप देख सकते हो मैंने इसको स्टिक से सपोर्ट दे दिया है। सपोर्ट देने के बाद आप देख रहे होगे कि इसके पत्ते झुके झुके से लग रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। ट्रांसप्लांट के बाद प्लांट शॉक में चला जाता है और वो ऐसी उसकी पत्तियाँ हो जाती है, लेकिन यह जल्द रिकवर हो जाएगा। ट्रांसप्लांट के बाद इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, शेड में रखना है एक दिन, दूसरे दिन आप धूप में रख सकते हो। अपराजिता का प्लांट फुल सन में भी रह लेता है और पार्शियल में भी रह लेता है, लेकिन आप ट्रांसप्लांट के बाद डायरेक्ट इसको सनलाइट में नहीं रखना है, इसको शेड में रखना है, उसके बाद आप सनलाइट में रख सकते हो।
वाइन को टाइट करते हो किसी भी चीज़ से, तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब देख सकते हो थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, इसको एकदम से नहीं बांध देना है, थोड़ा सा गैप रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई है, वीडियो पसंद आ गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।